खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन शनिवार को उपखंड टिब्बी में ट्राईसाइकिल रैली निकाली गई। बता दें कि इस रैली में हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम स्लोगन और ग्रीन कलर थीम पर दिव्यांगजनों ने क्षेत्र के मतदाताओं को मताधिकार का उपयोग अवश्य करने का संदेश दिया। वहीं इस रैली टिब्बी के रेलवे स्टेशन से शुरू होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी स्वाति गुप्ता ने सभी को नैतिक मतदान की शपथ दिलाई। रैली में दिव्यांगजनों को पौधे भेंट करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। के अवसर पर चौथा दिन की ट्राईसाइकिल मैराथन हुई है, आज रैली हुई है हमारी, उसके अंदर मतदान जागरूकता के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए, एक देश का चुनाव है, एक देश हित के लिए, एक राष्ट्र निर्माण के लिए हम वोट करते हैं और हर एक वोट हर नागरिक की एक शिक्षा है, हर नागरिक की पहचान है, हर नागरिक की ताकत है। मैं कहना चाहूँगा कि आज की रैली बहुत शानदार रही है और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हनुमानगढ़ स्वीप टीम है, वो शानदार काम कर रही है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मतदान के प्रति जो जागरूकता कर रहे हैं। आज सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन टिब्बी ब्लॉक में ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पेट्रोल पंप के पास से लेके CSC मेन टिब्बी रोड के ऊपर ट्राईसाइकिल छात्राओं द्वारा और यहाँ के सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को भागीदारी उनकी शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली के यहाँ पे CSC में आने के बाद उन लोगों को प्रशस्ति पत्र और पौधा वितरण और उसके अलावा उन लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। यहाँ उनके हल्के जलपान की व्यवस्था भी की गई है। समस्त यहाँ के लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मतदान की हम यहाँ नैतिक शपथ भी दिलाएंगे, जिससे हम ये चाहेंगे कि 19 तारीख को जो यहाँ पे मतदान होगा हमारे राजस्थान के प्रथम चरण में, उसमें टिब्बी की जनता बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेवे और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाए।